नेक्स्ट क्वेश्चन 2010 में पूछा नीट में कि अ पार्टिकल मूव्स इन एक्स वाई प्लेन अकॉर्डिंग टू तो द रूल एक्स इज इक्वल टू तो ए साइन ओमेगा टी एंड वाई इज इक्वल टू तो ए कॉस ओमेगा टी पार्टिकल फॉलो चार ऑप्शन अपने को दिए हुए हैं कि अलेप्टिकल पाथ सर्कुलर पाथ पैराबोलिक पाथ या फिर अ स्ट्रेट लाइन इन इक्वली टू तो एक्स तो एंड वाई एक्सेस नाउ अगर इस इक्वेशन को हम नोट लिखें तो एक्स इज इक्वल टू तो ए साइन ऑफ ओमेगा टी वाई इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ होमेगा टी ये क्वेश्चन नंबर वन ये क्वेश्चन नंबर टू नाउ अगर इसकी आप इक्वेशन ऑफ प्रेजेक्ट्री लिखेंगे इक्वेशन ऑफ प्रेजेक्ट्री इज एक्स और वाई में रिलेशन विदाउट यूजिंग टी तो इसको हम क्लास में जैसे बोलते हैं एक्स और वाई के बीच में रिलेशन और टी की हमने दे दी सुपारी अलग अलग केसेस में अलग अलग तरीके होते हैं काम करने के बट एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना जब भी साइन और कॉस की वैल्यू आ जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है वन सो so, हम यहाँ पे क्या करेंगे दिस वॉट वी आर गोइंग टू डू अगर हम वन का स्क्वायर और टू का स्क्वायर दोनों ऐड कर दें सो so, उस केस में हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर टी नाउ इसकी वैल्यू साइंस स्क्वायर टी की वैल्यू वन हो गई और जो अपनी इक्वेशन बची तो बाकी की जो इक्वेशन है क्लियरली ये इक्वेशन हमें बता रही है कि इट विल बी अ सर्कुलर मोशन और उसका होगा रेडियस ए सो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम